वैसे देखो कल होगा आईपीएल की दो टीमों में सबसे बड़ा महासंग्राम, इसको सेमीफाइनल आप बोल सकते हैं, क्योंकि क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना दोनों टीमों के लिए जरूरी है। बात करें सीएसके की तो 14 पॉइंट के साथ वो बैठी हुई वहीं पर, आरसीबी के पास अभी तो लेकिन 12 पॉइंट ही हैं। बात करते हैं आरसीबी के तो रन रेट बराबर है, आरसीबी को मैच थोड़ा जल्दी जीतना पड़ेगा, लेकिन जीतने की बातें ऐसी हैं कि कहीं बारिश ना आ जाए, सबसे बड़ी समस्या बारिश ना आ जाए। बारिश आ गई तो यहाँ पर जो फाइव लिखा है यहाँ पर साइफ हो जाएगा और बाहर कर दी जाएगी आरसीबी, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि मैच बहुत कांटे का होने वाला है। एक तरफ है आग और दूसरी तरफ है पानी, महेंद्र सिंह धोनी के सामने होंगे विराट कोहली। वैसे ये कई सारे मुकाबले ऐसे देखने को मिले हैं जिसमें माही और विराट एक साथ देखने को मिले और दोनों ने अच्छी बल्लेबाजियां भी की हैं, लेकिन इस बार किंग जिस फॉर्म में चल रहा है सबको हिला के रख दिया, वो चाहे माही भी तो फॉर्म में है लेकिन माही जी जब उतरते हैं जब मैच की केवल 10-15 गेंदें बची रहती हैं और वहीं पर किंग तब उतरता है जब मैच शुरुआत होती है। मैच बहुत ही रोमांचकारी होने वाला है, अगर आप देखें तो मजा बहुत आने वाला है क्योंकि दोनों टीमें पेल पेल के रन बनाएंगी और अगर देखा जाए तो लगभग स्कोर बोर्ड 200 के पार होने वाला है इस बार 100% गारंटी। वहीं पर धोनी जी की टीम जो है वो का करेगी ना, वो दौड़ा दौड़ा के मारेगी, लेकिन आरसीबी भी कुछ कम नहीं है। आरसीबी में इस बार जिस तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं, फॉफ डुप्लेसी के साथ विराट कोहली तो फॉर्म में थे ही, लेकिन बीच में दिनेश कार्तिक जिस तरीके से आके पेलते हैं ना, सामने वाले को ऐसा धोते हैं कि दोनों लोग उठ नहीं पाते। तो इस तरीके से बल्लेबाजी दोनों में बहुत ही लाजवाब है और वहीं पर देखा जाए तो थोड़ा सा सीएसके की टीम इस बार कमजोर दिखाई देती हुई आई क्योंकि महेश पत्रा ने जैसे स्टार गेंदबाज उस टीम से बाहर हो चुके हैं और साथ ही में दीपक चहर भी, तो ये बहुत ही बड़ी समस्या होने वाली, शार्दुल ठाकुर के कंधों पर जिम्मेदारी होने वाली है और नए नए गेंदबाज तुषार देशपांडे के साथ उतरेगी। तुषार देशपांडे के बारे में बताना बहुत जरूरी नहीं है, किंग अकेले ही ठोक ठाक के बराबर कर देगा देशपांडे की गेंदों को। तो इस तरीके से माही ही के ऊपर सब कुछ होने वाला है अगर गायकवाड़ की बल्लेबाजी के साथ शिवम दुबे की बल्लेबाजी नहीं चलती। अब शिवम दुबे की बात करें तो जब से इंटरनेशनल टीम में चयन हुआ है उनकी बल्लेबाजी में जाम लग गया क्योंकि बस चयन के लिए ही खेल रहे शिवम दुबे, फिलहाल बर्बाद चल रहे हैं और माही के ऊपर सारी जिम्मेदारी होने वाली है। वैसे तो कैप्टन कूल के नाम से जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी के सामने सबसे बड़ी चुनौती विराट कोहली की ही होने वाली है और टीमें तो नाम की हैं, बस आरसीबी में केवल और केवल एक काम के हैं जिसका नाम है किंग कोहली। किंग कोहली से अकेले लड़ना पड़ेगा ये आप समझ लीजिए और वहीं पर साथ देने के लिए पूरी तरीके से सिराज की बॉलिंग भी तैयार है और सिराज की गेंदबाजी के सामने टिकना बहुत ही मुश्किल बात है क्योंकि सिराज जब फॉर्म में आ जाते हैं तो सामने वाले को रुला रुला के भगाते हैं। अगर सीएसके मुकाबला जीतती है तो सीधे तौर पर क्वालिफाई कर जाएगी और वहीं पर अगर आरसीबी को क्वालिफाई करना है तो सीएसके को पहले तो हराना पड़ेगा और हराने के समय 18 ओवर से लगभग 18.2 गेंद के आसपास मैच खत्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ताकि सीएसके रोड होकर बाहर हो जाए और रोने के बाद सीएसके के पास दो ऑप्शन बचेंगे, पहला तो किसी न किसी तरीके से जो है मैच को 20 ओवर तक लिया जा सके जिससे उनका रन रेट डाउन हो जाएगा और सीएसके हारने के बाद भी क्वालिफाई कर जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ आरसीबी के लिए होने वाली है, अगर वो मैच जीतेंगे भी तो उनको बुरी तरीके से जीतने वाले, लेकिन कुछ भी हो कल होगा महासंग्राम और इस महासंग्राम की बकचोदी देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।